खुशियों के ये पल आज हैं और हैं कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। सिविल लाइन थाना अंतर्गत गांव रसूलपुरा में गुरुवार देर रात जंगली जानवर ने दो लोगों पर हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हमला करने के बाद जानवर खेत में छिप चुका है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिंसक जानवर के पदचिन्ह उठाए। घायल रसूलपुरा के सरपंच सलीम खान ने बताया कि वह अपने घर के बाहर रात 11 बजे सो रहे थे। करीब 10 मिनट बाद ही उनके ऊपर हिंसक जानवर ने हमला कर दिया। जानवर ने उनके सर और पांव पर हमला किया और जख्मी कर पास में बंधे 5 जानवरों को भी जख्मी कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर हिंसक जानवर के पद चिन्ह उठाए और उसकी तलाश शुरू कर दी। रात को करीबन 11:15 का टाइम था, मैं आके यहाँ सोया था। नींद आने के 10-5 मिनट बाद ही जानवर आया। आते ही मेरे माथे के ऊपर उन्होंने दोनों पांव रखे और मेरी जांघ को जकड़ लिया। जकड़ते ही नींद जगी, उन्होंने दांत रोक दिए थे और नींद जगते ही मैंने थोड़ा टांग को हिलाया और मैंने कहा क्या है, तो एकदम अचानक वो छोड़ के और निकल गया और खून आ गया पूरे पैरों में। सलवार थी वो खून से भर गई और वो मेरे हिसाब से तो झरक ही था। हाँ, 4-5 आदमियों को औरों को खाया उसको और 4-5 जानवरों को भी खाया। ये रसूलपुरा के यहाँ की मेरे नौरे की गई। हाँ, आज आई थी वन विभाग की टीम आई थी, उन्होंने भी कहा कि भाई ये झरक के ही आसार हैं और गांव वालों को बोलना थोड़ा सावचेत रहे। गांव वाले भी गांव में देसत है, गांव वाले सावचेत भी है, देसत भी है, दोनों ही। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।